तो आज का दिन आप सभी को याद होगा कि ईटानगर में लगभग कुछ दिन पहले ही जो बंदी का हंगामा चला था कुछ पेपर लीक वगैरह से, तो लोगों को बहुत परेशानी हुई और बहुत सारे चीज़ डिस्ट्रॉय हो गए और इसकी वजह से हम लोग बाहर निकल नहीं पाए। तो आज हम लोग निकल रहे हैं ईटानगर तो हरमती पैदल, और उसका जर्नी देखिए अब हम लोग शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे लोग जो इस विषय में अपना साथ दे रहे हैं, एक दूसरे को साथ देने के लिए तैयार हैं। और आगे के सीन हम लोग जैसे जैसे पैदल चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से नाहरलगुन और नाहरलगुन से हरमती पैदल चल करके जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को कुछ अर्जेंट काम है और बंदी सुन रहे 21 फरवरी तक रहेगा, तो इसीलिए हम लोगों को करना पड़ेगा पैदल यात्रा। तो देखते रहिए, यहाँ पे देखिए ऑटो जला दिए और आगे कितने सारे लोग हैं और सारे लोगों के हाथ में डंडे, तो बच के चलना है, बात वही है। वैसा तो कुछ नुकसान नहीं है किसी पब्लिक को, बस यहाँ पे जो भी इंजन रिलेटेड जैसे फोर व्हीलर टू व्हीलर जो भी गाड़ियाँ हैं वो जाने नहीं दे रहे, बाकी सारे लोग। और ये मैं निकल पड़ा हूँ और चलते चलते पंचर हो गया, थक गया हूँ, फिर भी चल रहा हूँ। और मेरे साथ साथ देने वाले हैं मेरे दोस्त राम सर, तो हम लोग पैदल चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। ईटानगर टाउन जो पार कर दिए, अभी हाईवे में है जो कि नाहरलगुन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे साथ है, इनको भी ज़रा देखिए, ये भी बहुत परेशान हो चुका है पैदल चल चल के, अभी तक एक बार भी रेस्ट नहीं किए हम लोग, एक बार भी रेस्ट नहीं किए। तो अभी हम लोग पहुँच गए पापू नाला, यहाँ से नाहरलगुन बहुत ही पास है जो कि 3 किलोमीटर दिखा रहा, तो बहुत जल्दी हम लोग नाहरलगुन पहुँचेंगे। और बता दें कि हम लोग 1 बजे निकले थे और अभी का बज रहा है 3:30 या 4 बज रहा, और ये नाहरलगुन टाउन जो सोहम, यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम लोग। और चलते 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 बहुत सारे लोग, लग रहा है कि आगे हमारा कोई जान पहचान लोग है यहाँ पर, सोहम पार कर रहे हैं और वो रेड वाला कपड़ा ये जो आदमी चल रहा है ठुमक ठुमक के, इनके आगे हम लोगों को कोई जान पहचान है, तो ये रहा, मिल गए जान पहचान लोग, आते आते इन लोगों को मिल गया। सारे लोग तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं कि मानना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो आगे चलते हैं पैदल यात्रा, तो ये कुछ बोलने वाली है तो इनका वॉल्यूम कम कर देते, क्योंकि कुछ बोल रही है, किसी को मैसेज दे रही है कि आज यहाँ पे बंद है, फिर भी वापस पैदल जा रहा है। तो देखिए नाहरलगुन का दशा ये, और अभी यहाँ पर थोड़ा हम लोग रेस्ट करेंगे, फिर रेस्ट मीन्स 10-15 मिनट पानी वगैरह पियेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। देखिए ये टाउन का हालत क्या हो चुका है। तो अभी पहुँच गए जो रात का लगभग 10 बज रहा है हरमती, हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ से हम लोग अपने घर के लिए रवाना होंगे। ऑलरेडी फ़ोन कर दिया है जो गाड़ी हम लोग को लेने के लिए आ रहा है, खड़े होने का हिम्मत नहीं है दोस्तों, खड़े होने का हिम्मत नहीं है। और पूरा टाइटन फिश है, पेड़ फूल गया, पेड़ में भी ऐसा हो गया पेड़ में भी पूरा, फिर भी चल रहा हूँ, इतना टाइम हो गया। बस 1 बजे से लेकर 11 बजे तक हरमती पहुँचे, बीच में एक दो बार रेस्ट किया है। बस हम है और मेरे साथ है मेरा फ्रेंड रामदेव, देखिए इसका भी हालत कैसा हो गया, पूरा फिश। तो बस अब अपना गाड़ी के लिए फोन कर दिए और जो किसी का मदद से आ रहा है हम लोगों को रिसीव करने के लिए, और बस उसके बाद अपने घर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस अपने मस्ती के लिए हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं और साथ साथ इस चैनल में वेस्टीज रिलेटेड और अपने लाइफ जर्नी यानी अच्छे इंसानों का आशीर्वाद होता है, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके साथ सारा जहान रहता है, भगवान का आशीर्वाद रहता है। तो शायद आज हम लोग के पास था, और देखिए एक यहाँ पे बम भोले बम भोले इनका पूरा भोले बाबा इनके ऊपर छाया हुआ है, दर्शन हो गया।